Hello everyone, welcome back to this mathon. A and B can do a piece of work in 10 days, B and C can do it in 12 days, C and A in 15 days. In how many days will C finish it alone? Kya diya hua hai? Sir, A plus B in 10 days. Wahi kya diya hua hai? Sir, B plus C in 12 days, C plus A in 15 days. Ab dekho sir, in tino ka kya hota hai? Sir, LCM 60 hota hai. तो टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज इक्वल्स टू 60 पकड़ लेते हैं, ठीक है, मतलब 60 यूनिट ऑफ वर्क पकड़ लेते हैं, 60 यूनिट ऑफ वर्क. तो एक दिन 10 दिन में टोटल 60 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करता है 6 यूनिट, 12 दिन में 60 यूनिट करता है, एक दिन में कितने यूनिट करता है 5 यूनिट, 15 दिन में 60 यूनिट करता है, एक दिन में कितने यूनिट करता है 4 यूनिट. टोटल 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी सम कर देते हैं तो कितना यूनिट करता है 6 5 11 4 15 15 यूनिट करता है. तो ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट करता है सर, ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट करता है सर, 15/2 यूनिट. अब सी अलोन फिनिश द वर्क बोला है तो ए प्लस बी को निकाल देते हैं. तो 15/2 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू सी एक दिन में इतना यूनिट काम करता है, दैट इज इक्वल्स टू 12, 3/2. तो 3/2 यूनिट काम करता है एक दिन में, 60 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, इंटू 3/2 सॉरी इंटू 2/3, 3/2 यूनिट करता है एक दिन में, तो एक यूनिट करता है कितना दिन में, 2/3 दिन में, इंटू 60, तो 3 20 60, तो 20 2 40 दिन में. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.